Radhe. शिव विरंचिका मोहई को है भपुरान नारद भव विरंच सन कादि जे मुनि नायक आत्मवादी सब माया के अंदर में है तब तक जब तक भगवत कृपा पात्र न बन जाए और भगवत कृपा पात्र बन जाए तो काक बुचुंडी कौआ भी माया को मारे लात। तो ऐसी एक माया शक्ति है जो हमारे ऊपर सदा से हावी है। और भगवान से जीव का भेदाभेद संबंध है, इस विषय में बहुत डिटेल में आपको वेदों से, वेदांत से और भागवत से, गीता से समझाया गया। देखो, वेद में चार प्रकार के विरोधी मंत्र हैं, संक्षेप में समझो। नंबर एक निर्गुण निराकार, एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा। ये निराकार है, और साकार भी है। देखो, एक ही मंत्र में सत्य काम सत्य संकल्प सगुण भी है। निर्गुण भी सगुण भी। और देखो अभेद, ईशावास्यमिदग्वम सर्वम ईशावास्योपनिषद एक, पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम तीन पंद्रह श्वेताश्वतरोपनिषद। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् भागवत द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। दो पांच चौदह। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्ण एकांशे न स्थितो जगत। दस बयालीस। मत्तः परतरं किंचिन्नान्यदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम। सब कुछ एक ब्रह्म है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंत एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति
एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्जयमान लोकानी सत ईशनी भी श्वेताशतरोपनिषद 3:2 एको हवै नारायण आसीत न ब्रह्म निशानः चतुर्वेदोपनिषद 1 केवल एक भगवान है एक ब्रह्म है ये भी है और ये भी है सर्वाजीवे सर्वसंस्थे विहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानम् संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशा द्याग्यौद्वा बजा भीषनीशा बजा येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता क्षरम प्रधान ममृता क्षरम हरक्षरात्माना भीषते देव एका एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् 1, 6, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 12 द्वे अक्षरे ब्रह्म परे 5, 1 तमाम वेद मंत्र बता रहे हैं कि 3 तत्व है द्वा सुपर्णा सविजा सकाया 2 भी बता रहे हैं और उनमें गुण भी बता रहे हैं अतो नंते न तथा ही लिंगम 3:2:25 वेदांत यो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि 11:4:2 10:14:7 1:18:14 नान्तं गुणानाम गुणस्य जगमु अंत नहीं है गुणात्मनस्ते विगुणान विमातुम जो मूर्ख गुण को गिनना चाहे तो पहले वो पृथ्वी के राजकण को गिनकर बतावे अनंत गुण भागवत तो निर्गुण भी सगुण भी निराकार भी साकार भी एक भी अनेक प्रकार के ये भेदा भेद वैषम्य है और एक ही वेद में भी ये वैषम्य है अब देखिए छांदोग्योपनिषद तत्वमसि 6, 8, 7 तू ब्रह्म है तत् त्वम असि तत् माने ब्रह्म त्वम माने तू असि माने हो एक और कुछ नहीं है और तज्जलानित शांत उपासित सब जीव माया और जगत उससे पैदा हुए हैं उससे रक्षित हैं उसमें लय होंगे ऐसा जान कर उपासना करो जीवो ये देखो वेद एक ही छांदोग्योपनिषद 3:14:1 आप देखो बृहदारण्यकोपनिषद अहम् ब्रह्मास्मि 1:4:10 मैं ब्रह्म हूं 1 यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलुंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मना सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति
और आपको हमने एक ही मंत्र में भी बताया था, दोनों चीज छांदोग्योपनिषद 8:1-5, 8:7-1 एष आत्मा अपहत पापमा। तो ये तमाम भेदाभेद संबंध के प्रमाण भरे पड़े हैं। मनुष्य की थोड़ी सी आयु है, बेचारा कितना पढ़े कितना समझे। शंकराचार्य आए, हमने कहा जी ये तमाम सारी बात आप जो लोगों को बरगला रहे हैं हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं बस एक ब्रह्म है और बाकी ये सब भ्रम है, भ्रम है, भ्रम। इसको कहते हैं विवर्तवाद, मायावाद, केवलाद्वैतवाद। अर्थात हम भी ब्रह्म है, ये संसार भी ब्रह्म है, माया वाया कुछ नहीं। ये संसार भी ब्रह्म है, हमको तो दिखाई पड़ता है ये सब कुछ। आप कहते हैं ब्रह्म है, तुमको अज्ञान है, अज्ञान भ्रम हो गया है तुमको। कैसा भ्रम? रज्जौ यथा हेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। एक एक शब्द पर ध्यान देना, थोड़ा बुद्धि का विषय आ रहा है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए अंधेरे में, हम लोगों को हो जाता है। टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो पगडंडी में और हम जा रहे हो अंधेरे में, ये टेढ़ी मेढ़ी रस्सी हो नहीं सांप हो सकता है, नहीं रस्सी होगी नहीं सांप हो सकता है। लेकिन अपन को सांप ही मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमने रस्सी मान के पैर रख दिया और वो सांप हुआ कोबरा, तो फिर 10 सेकंड में हम 0/100 हो जाएंगे, तो हम घूम के चले जाते हैं। सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, रजत में का भ्रम हो जाता है सीप में। ऐसे ही तुमको इस ब्रह्म में संसार दिख रहा है। अब जरा मैं अद्वैतवादियों से बात करना चाहूंगा, शंकराचार्य से नहीं, अद्वैतवादियों से। क्यों जी? आपने वेद पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है। तो वेद में क्या लिखा है? यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तैत्तरीयोपनिषत् 3:1 आनंदो ब्रह्मेति बिजानात् आनंदाद्देव कल्विमानि भूतानि जायन्ते हैं 3:6 तैत्तरीयोपनिषत् शोकामयत् बहुश्याम प्रजायेति स तपोतप्यत् तैत्तरीयोपनिषद 2:6 तस्माद् वायु तस्माद् आत्मन आकाप सत्संभूता तैत्तरीयोपनिषद 2:1 यश्च विश्वम सृजति विश्वम विभर्ति विश्वम भुङ्क्ते स आत्मा सांडिल्योपनिषद 2:1 स ईक्षत आयतरीयोपनिषद 1:1-1 स ईक्षाचक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3
तदाइक्षत छांदोग्योपनिषद 6-2-3 साइक्षत 1-2-5 बृहदारण्यकोपनिषद एषा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति नृसिंहतापनीयोपनिषद 3-1 ये सब वेद मंत्र तो कह रहे हैं भगवान से संसार बना है। हाँ तो क्यों जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी कारण और घड़ा उसका कार्य। हाँ ऐसे ही भगवान कारण और संसार उसका कार्य। हाँ पहले संसार नहीं था। हाँ एक दिन भगवान ने प्रकट किया प्रलय के बाद। हाँ तो भगवान ने संसार प्रकट किया जैसे मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बना दिया। हाँ तो घड़ा तो कार्य हो गया और बनाने का जो उसका मैटर है वो तो मिट्टी है। हाँ तो फिर ये बताइए कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है तो ये ब्रह्म कैसे हुआ? ये तो कार्य नहीं है। ब्रह्म तो नित्य सदा एक सा होता है ब्रह्म। और ये जो आप कह रहे हैं रस्सी में सांप का भ्रम हुआ तो रस्सी सांप का कारण नहीं है। रस्सी से सांप नहीं पैदा होता। एक एक शब्द पर ध्यान दो। रस्सी से सांप नहीं पैदा होता। सीप से चांदी नहीं पैदा होती। लेकिन ब्रह्म से संसार पैदा हुआ। तो फिर ये एग्जाम्पल कैसी हुई आपकी कि रज्जू में सांप का भ्रम हो गया है? नंबर 2, ब्रह्म स्वयं सिद्ध नित्य वस्तु है और जगत नश्वर है। हाँ घड़ा नश्वर है फिर मिट्टी बनेगा वो फूट करके। मिट्टी नित्य है, घड़ा अनित्य है नश्वर है। इसी प्रकार ब्रह्म नित्य है, संसार नश्वर है, इसका प्रलय होगा। हाँ लेकिन रस्सी भी नित्य है और सांप भी नित्य है, दोनों नित्य हैं। ऐसा तो नहीं है कि सांप संसार की तरह है, वो नष्ट है नहीं है और एक दिन खाली रस्सी बची। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, अपनी अपनी सत्ता रखते हैं रस्सी और सांप। लेकिन भगवान अपनी सत्ता रखता है, संसार की कोई सत्ता नहीं। महाप्रलय में संसार कहां रहता है? और जब भगवान चाहे इसको 0/100 कर दे। सुप्तं चास्य महाप्रलयः, संकल्प किया संसार समाप्त तो क्या रस्सी के संकल्प से सांप समाप्त हो जाएंगे? एग्जाम्पल गलत। नंबर 3, ये बताइए कि रस्सी और में सांप का भ्रम तो उसको होगा जिसने दोनों को देखा होगा पहले। ध्यान दो, रस्सी भी देखा है
सांप भी देखा है, दोनों का एक्सपीरियंस है। और हमने रस्सी देखा अंधेरे में तो हमने डाउट किया कि ये सांप हो सकता है। जिसने सांप देखा ही नहीं उसको रस्सी में सांप का भ्रम तो होगा नहीं, हाँ नहीं होगा। तो भगवान जब था तो संसार तो था नहीं, तो उस भगवान को भ्रम कैसे हो गया अपने ऊपर कि उसने इस संसार को अपना स्वरूप न मान करके और संसार के रूप में मान लिया। भगवान को भ्रम कैसे हो गया? छोड़िए और चलिए, ये बताइए कि ये भगवान अकेला था ना? हाँ अकेला था। तो वो भगवान अकेला, उसको भ्रम कहां से आया? अज्ञान से। हाँ तो अज्ञान तो आप मानते नहीं, आप तो अद्वैत मानते हैं, एक ब्रह्मता बस। अब अगर अज्ञान भी था पहले से तो फिर दो मानिए कि एक अज्ञान है अनादि और एक ब्रह्म है अनादि। और अगर दो मान भी लें आप तो ब्रह्म तो नित्य ज्ञान है, स्वरूप है, आप कहते हैं प्रकाश स्वरूप है। हाँ तो अज्ञान रूपी अंधकार प्रकाश पर अधिकार कैसे कर लिया? ब्रह्म ने अपने को संसार कैसे मान लिया, जीव कैसे मान लिया? ये अज्ञान ब्रह्म को कैसे हो गया? अगर अज्ञान अनादि भी है तो ब्रह्म को अज्ञान कैसे हो गया?